हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। दिस इज साहिल शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। तो बच्चा लोग, आज की जो वीडियो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग 20 दिन में 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, जिससे आपको भी खुद रियलाइज होगा कि भाई हाँ, ये चीज हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं। इज इट पॉसिबल टू स्कोर 50 प्लस इन मैथ्स फॉर सीडीएस 2024 इन लास्ट 20 डेज? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो उससे पहले कि भाई मैथ में अगर मुझे 50 प्लस स्कोर चाहिए तो मैथ का सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस तो आई होप सब बच्चों को पता ही होता है, बट एक पैटर्न के बारे में हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमारा जो मैथ्स का सिलेबस उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक में आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक के आते ही आते हैं। मतलब ये वेरी कर सकता है, मतलब अरिथमेटिक होता है, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर हमारा अलजेब्रा होता है, फिर हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम होता है, स्टैट्स होता है, फिर हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री आता है एंड मेंसुरेशन आता है। तो ये कुछ चैप्टर हैं हमारे, मतलब जिनमें से हमारा मैथ का जो है वो पेपर बनता है। अब अर्थमेटिक और एडवांस दो हिस्सों में हम लोग मैथ को डिवाइड करते हैं। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो हमारा ट्वेंटी फाइव टू 30% जो है वो अर्थमेटिक आता है, और जो एडवांस पार्ट है 70 to 75% हमारा एडवांस मैथ का पार्ट आता है। ये जितने भी मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं ये एडवांस मैथ का ही पार्ट है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो, जैसे कि अभी अभी हमारा एफकैट का पेपर खत्म हुआ है, राइट। तो एफकैट के पेपर का सिलेबस क्या था? एफकैट के पेपर का सिलेबस था पूरा अरिथमेटिक, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, मतलब एरिया एंड पैरीमीटर भी था, बट एरिया एंड पैरीमीटर के लिए कोई बच्चा इतना अच्छे से उसको नहीं पढ़ता जितना सीडीएस के लिए पढ़ना चाहिए, राइट। तो अगर अभी अभी आपका जैसे एफकैट का पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इन चीजों पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, मतलब कि आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर मैं नंबर सिस्टम को एक बार हटा भी दूं तो सिर्फ अर्थमेटिक की बात करूं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है और इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, तो आप ये 15 से 20 क्वेश्चन अभी नहीं छोड़ने वाले। मतलब ये तो हमारा बिल्कुल पक्का हो रखा है कि भाई हाँ, इसमें से क्वेश्चन हमारा नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो तब भी मैं 80% क्वेश्चन, मतलब कि आउट ऑफ 15 जो है मैं 12 to 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इतने मैं अभी मान के चलता हूँ, ठीक है जी। एफकैट का पेपर हमारा अभी अभी कंप्लीट हुआ, तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एफकैट का पेपर कैसा रहा, और जो हमारी ये वन शॉट सीरीज थी जितना मैंने वीडियो से पहले बताया था कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनकी वीडियोस मैंने डाली थी, तो वो आप लोगों के लिए कितनी फायदेमंद रही थी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब मैं एडवांस मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि कौन से पार्ट में से कितना पेपर हमारा पूछा जाता है, ठीक है जी। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे
CDS 1 2024, बहुत ही अच्छा बहुत ही उम्दा पेपर आया हुआ था ये। 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, ट्रिग्नोमेट्री के 8 क्वेश्चन, 3D के 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड 2D के टोटल 34 क्वेश्चन। मतलब ये तीन पार्ट ऐसे हैं, इन तीनों में से हमेशा ही आपका जो है वो 45 के अराउंड क्वेश्चन बनते हैं। 45 प्लस अगर मैं नहीं भी मान के चला तो 40 से 45 के बीच में हर बार इन तीन चैप्टर से हमारा जो है वो पेपर बनेगा ही बनेगा। और इन तीन चैप्टर को मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, ठीक है ना। अगर ट्रिग्नो आती होगी तभी आपको मेंसुरेशन 2D कर पाएंगे, अगर ये चीजें पता होगी तभी आप मेंसुरेशन 3D कर पाएंगे। तो मतलब कि ये इंटर रिलेटेड चैप्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं सिंपल लॉजिक भी बताऊं ना, ये तीन चैप्टर और अर्थमेटिक, ये भी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है तब भी आप बहुत ही इजीली 50 प्लस स्कोर जो है वो मैथ में कर सकते हैं इन लास्ट 20 डेज में। अगर मैं CDS 2 2023 की बात करूं, यहाँ पे भी चेक कीजिए, अर्थमेटिक के 17, नंबर सिस्टम के 19, ट्रिग्नो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, अगर मैं इन तीनों के मिलाऊं तो ये क्वेश्चन मेरे बन रहे 42 यहाँ। स्टैट्स के 6, अलजेब्रा के 16, ठीक है जी। देखो थ्योरी पार्ट की अगर मैं बात करूं, थ्योरी पार्ट हमें फुल कंप्लीट करना है, ठीक है ना, थोरोली उसको पढ़ेंगे। इन लास्ट के 20 डेज में भी ये अर्थमेटिक को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है इन सभी का मैं थोरोली आपको पूरी थ्योरी भी करवाऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आपने भाई कमेंट जरूर करना वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू हो और आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो जय हिंद जरूर यहां पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। जरूर लिखिएगा कि आई विल बी द ऑफिसर, कमेंट में आप सभी बच्चों ने ये जरूर लिखना है कि आई विल बी द ऑफिसर, ठीक है। और वो ऑफिसर बनोगे कैसे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर CDS 1 2023 की बात करूं, यहां पे भी चेक करो, अर्थमेटिक के 15, नंबर सिस्टम के 20, ट्रिग्नो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, यहां पे मेंसुरेशन 2D के और 3D दोनों के ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इनके मिला के भी देखूं तो ये बन गए 40 और 5 45। आपको हर बार जो है ना इन तीन चैप्टर से 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और इन तीन चैप्टर पे मैं जोर इसलिए ज्यादा डाल रहा हूं कि ये तीनों चैप्टर जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। हो सकता है आपको शुरू में ये मुश्किल लगे, बट यकीन मानिए अगर आपने इन तीन चैप्टर पे कमांड बना ली तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और इन पे कमांड बनवाने का काम है मेरा, आपने बस वीडियो फॉलो करनी है और कुछ नहीं। आपने यूट्यूब पे मुझे फॉलो करना है, कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि आपको यूट्यूब लाइव क्लासेस देखनी है या फिर रिकॉर्डेड सेशन देखनी है। जैसा भी आप बोलेंगे वैसा ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को रहता है कि सर 2x की स्पीड पे देखेंगे, लाइव नहीं देखेंगे। कुछ बच्चों को होता है सर लाइव देखेंगे, डाउट भी पूछ लेंगे ना। तो यहाँ पे चेक करो, स्टैट्स के 5, अलजेब्रा के 15। देखो जो क्वाड्रेटिक वगैरह है ना वो सब मैं अलजेब्रा में ही काउंट कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर मैं इन तीन चैप्टर की बात करूं तो 47 क्वेश्चन है टोटल, अर्थमेटिक के 11, नंबर सिस्टम के 8, स्टैट्स के 9, अलजेब्रा के 25 क्वेश्चन CDS 2 2022। पर जो ये वाला पैटर्न है ना, ट्रिग्नो मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ये कभी भी नहीं चेंज होने वाला। ये आपको इन तीनों के, देखो आपस में चेंज हो सकते हैं बट आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये करेंगे तो तीनों चैप्टर एक साथ करेंगे, ठीक है ना। थोड़े लेंथी भी होंगे बट ये 20 दिन में बड़े ही इजिली कवर होते हैं। अगर मैं CDS 1 2022 की बात करूं तो यहाँ पे भी अर्थमेटिक के 11, नंबर सिस्टम के 10, इन तीन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 30 और 14 और 4, 48 क्वेश्चन भाई यहां से पूछे गए, 48 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, मान देख रहे हो। अलजेब्रा से 23 क्वेश्चन। देखो अलजेब्रा पार्ट हमारा ऐसे है कि इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि ताकि हमारे ज्यादा एफर्ट भी ना लगे और इजीली मैं कम से कम नहीं तो 60-70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है ना। अगर अदरवाइज डिटेल में आप पढ़ोगे तो हमारे लिए 20 दिन ये कम पड़ जाएंगे। CDS 2 2021 की अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक के 13, नंबर सिस्टम के 14, इन तीनों से मिला के अगर मैं देखूं 7, 4, 11 और 3, 14, टोटल 44 क्वेश्चन हमसे पूछे गए।
स्टैट से 8, अलजेब्रा के 21। मैं ये नहीं कह रहा कि अलजेब्रा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अलजेब्रा भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे इतना पता है कि जो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे बनेगा तो ये यहाँ पे आंसर जब निकलेगा वो ट्रू निकलेगा, मतलब ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अलजेब्रा में स्टिल आप कंफ्यूज रह सकते हैं, ठीक है। सीडीएस 120-21 की बात अगर मैं करूं, अर्थमेटिक के 15, देखो अर्थमेटिक क्योंकि हमारा एफकेट का पेपर हो चुका है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो एवरेज बच्चा भी होगा वो 60-70% क्वेश्चन अर्थमेटिक के करके आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर सिस्टम के 15 है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनके अगर मैं मिला के देखूं तो ये मेरे पास टोटल 45 क्वेश्चन बन गए, स्टैट्स के 10, अलजेब्रा के 15, ठीक है जी। सीडीएस 2022 अर्थमेटिक के 22 क्वेश्चन, भाई 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था अर्थमेटिक के, बट अब कम हो चुके हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 9, 2, 11, 2, 13, तो टोटल 43 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम के, स्टैट्स के 6 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 12 क्वेश्चन। सीडीएस 120-20 की बात अगर मैं करूं, अर्थमेटिक के 18, नंबर सिस्टम के 17, और इन तीनों की अगर बात करें, देखो कितना पोर्शन है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए। आप इन तीनों चैप्टर की वैल्यू को समझिए, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, इनसे आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो अभी मैं जो है वो कल ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आप बता सकते हैं कि भाई नंबर सिस्टम, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री, जो भी चैप्टर आप चाहते हैं उसी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। स्टैट्स के 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा के टोटल 10 क्वेश्चन, सीडीएस 2020-19 की अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक की 18, देखो 2-3-4 साल पहले तो बहुत क्वेश्चन पूछता था अर्थमेटिक की 18, हालांकि पिछले पेपर में भी काफी पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूं तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 35-39, तो देखो 40 के आसपास क्वेश्चन तो अभी भी है, ठीक है ना, 40 के आसपास क्वेश्चन अभी भी है। स्टैट्स के 2+8 मैंने इसलिए लिखे क्योंकि डीआई भी आई हुई थी उस टाइम, तो 8 क्वेश्चन आई थिंक डीआई के हैं, 2 क्वेश्चन जो स्टैट्स के, अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा टफ होते हैं, इजी होते हैं। यहाँ पे चेक करें अगर अर्थमेटिक के, उस टाइम पे 24 क्वेश्चन थे, और अगर मैं इनकी बात करूं इनका पोर्शन थोड़ा कम था, तो ये क्वेश्चन हमारे 38 ही थे, बट अगर आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में इनका पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। देखो क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वो बात बन जाएगी, देखो मुझे अलजेब्रा भी मुझे को पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो उसने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे अलजेब्रा की नॉलेज होना जरूरी है, अगर मुझे अलजेब्रा की नॉलेज नहीं होगी तो मैं ये नहीं बता सकता, समझ में आई ना बात, कि भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशंस है तो अलजेब्रा का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो पॉइंट पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो ये सोच के मत पढ़िए कि भाई जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप 100% अटेम्प्ट कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए बाकी चैप्टर्स की भी हमें मदद चाहिए होती है, उनके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए मुझे बाकी कंसेप्ट की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं, तभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमारा जो है वो थ्योरी पार्ट पूरा थोरेली कंप्लीट करेंगे। बस अब आप लोगों के अंदर जोश, जुनून, जज्बा उतना होना चाहिए कि आप अपने आप में बिलीफ रखें कि भाई आज की डेट में चाहे मैं कैसा भी हूं बट 20 दिन में मुझे 50+ करना ही करना है, जिसमें से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10-15 क्वेश्चन या नंबर आपके अर्थमेटिक के होंगे, ठीक है ना, और अर्थमेटिक इसमें टफ नहीं पूछता, इजी होते हैं। तो आई होप यू गाइस विल बी डेफिनेटली रॉक इन दिस एग्जामिनेशन फॉर सीडीएस 2024, ठीक है ना, और तुम्हारी इस तैयारी में जो साथ होगा, जो तुम्हारी मेहनत में जो मैं 4 चांद लगाऊंगा वो मेरी तरफ से ये काम किया जाएगा, ठीक है ना। आपको मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज सेशन देखने को मिलेंगे विद पीपाई की, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू,
ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये मत सोचना कि भाई 20 दिन में चीजें पॉसिबल है या नहीं है, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुट किया था, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 50+ इन मैथ फॉर सीडीएस 2024 इन लास्ट 20 डेज, तो इसका आंसर है यस। ठीक है ना। देखो मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने आज की डेट में मतलब मोटिवेट होके इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका मोटिवेशन जो है थ्रू आउट 20 डेज सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2 दिन पढ़ लिए, कुछ समझ नहीं आया तो बस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो आई होप आपको एक विजन मिला होगा कि भाई हाँ, हम लोग 50+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी विजन के साथ आगे। लास्ट के 20 डेज वी विल गोना रॉक इट। तो आप सभी लोगों ने कमेंट करके जरूर लिखना है कि यस सर, वी आर रेडी, वी विल रॉक इट। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप सभी ने कमेंट यही करना है, यस सर वी आर रेडी, वी विल रॉक इट। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।